अच्छा ही सीजन है उनका। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हेल्थ इश्यूज आते थे लड़कियों को शादी के बाद में, जो उनके डेवलपमेंट नहीं होता था कहीं, लेकिन लिया है ऐसे 21 होने के बाद शादी होना है, ठीक है ना, लड़की को भी उसका सब पता चल जाता है कैसा रहना है। भी नहीं, फिर भी एटलीस्ट लीगली तो 21 हो गया, ताकि लड़कियों को और थोड़ा पढ़ने का समय मिल जाए, वो थोड़ा और मैच्योर हो जाए और अपनी लाइफ थोड़ी अच्छी बेटर वे में बिता सके। लिया कि लड़की की सुरक्षा माँ के पेट में है या कब्र में है, तो सरकार को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, व्यवस्था जो है बढ़ाना चाहिए। पुलिस बहुत कम है अपने पास, क्योंकि किसी भी पुरुष या महिला की मैच्योरिटी की गणना संसद में बैठ के नहीं की जा सकती, क्योंकि लड़की अपने पढ़ाई में ध्यान देगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी, फिर जॉब करेगी, जॉब करने वाले अपने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बुधवार को मोदी सरकार की कैबिनेट ने लड़कियों की उम्र की 18 से 21 साल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो आइए हम जानते हैं लोगों से इसके बारे में कि लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या कहना चाहते हैं लोग इसके बारे में। जी भैया, पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विशाल पात्रो है, मैं यहाँ जबलपुर का ही रहने वाला हूँ। जी जी। तो ये जो डिसीजन हुआ है उसके हिसाब से मुझे तो अभी तक ये ठीक लग रहा है, बिकॉज लीगल एज, लेकिन लोग मानेंगे भी नहीं, फिर भी एटलीस्ट लीगली तो 21 हो गया, ताकि लड़कियों को और थोड़ा पढ़ने का समय मिल जाए, वो थोड़ा और मैच्योर हो जाए और अपनी लाइफ थोड़ी अच्छी बेटर वे में बिता सके। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रस्ताव पूरे देश में लागू होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, ये बेटर ही है। जल्दी एज में शादी करने से ना उनको पढ़ने का मौका मिलता है, ना वो अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा ग्रोथ कर सके, हमेशा उनको किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इससे बेटर है कि एटलीस्ट वो 21 तक रहेंगी तो अपनी स्कूल कॉलेज ही कंप्लीट कर लेंगी, तो उनके पास कुछ एक डिग्री होगी, वो जॉब करके अपना घर चला सकती। हाँ जैसे जैसे हम एज बढ़ती आती तो हम मैच्योर ही होते हैं, हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, वहीं 18 में अगर हम रहते हैं तो थोड़ा कम चीज़ें समझ में आती हैं। तो लेट जितना होगा उतना अच्छा है, कि ऐसा नहीं कि बहुत लेट भी, बट 21 इज़ अ गुड एज। तो ये सरकार का लिया गया फैसला बिल्कुल सही, आप मानते हैं ये चीज़? मेरे हिसाब से तो सही है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो मोदी सरकार ने लड़कियों की 18 से 21 साल कर दी है? अच्छा डिसीजन है उनका। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हेल्थ इश्यूज आते थे लड़कियों को शादी के बाद में, जो उनके डेवलपमेंट नहीं होता था कई लड़कियों का भी कई सारी चीज़ों में। सेकेंडली करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी के, मतलब ग्रेजुएशन नहीं होता था और माँ बाप शादी कर देते थे छोटे एरियाज में, रूरल एरियाज में और सारे जगह में। ये अच्छा ऑप्शन है, मतलब अच्छा डिसीजन है उनका, आगे भी बहुत ज़्यादा काम करेगा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, जेंडर इक्वालिटी कर दी है उनने, कि लड़कों की अगर 21 है तो लड़कियों की भी 21 एज कर दी गई है। तो क्या इस पे लड़के और लड़कियों को बराबरी का दर्जा मिल पाएगा? अपने इस गवर्नमेंट रूल में तो बहुत ऊपर उठाया जा रहा है लड़कियों को, पर जब तक मेंटालिटी में ये चीज़ नहीं आएगी कि हम इक्वल हैं, तब तक नहीं आएगी। इवन लड़कियों को भी ये बात अपने अंदर सेट करनी होगी। अच्छा। हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ सकती कि हम लड़कियां हैं तो हम नहीं कर सकते, पहले खुद को उठाओ तभी लोगों के व्यूज बदलेंगे। तो क्या इससे लड़कियों में आने वाले टाइम पे, लड़कियों के भविष्य पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा कुछ? बिल्कुल पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल घर से प्रेशर हट जाएगा। अच्छा। कि मतलब ऐसे लोग कहते हैं 18 के जो शादी कर देंगे छोटे एरियाज में, छोटे कास्ट में, सारी चीजें होती हैं अभी भी। ऐसा बहुत कम है कि लड़कियों को ग्रेजुएशन करने दिया जाता है, जो फैमिली अब एजुकेटेड हो चुकी है। जी 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 बिल्कुल। तो जैसा कि आप जानती हैं कि अभी तक बाल विवाह हुआ करते थे, 18 से पहले ही 18 की लड़की हुई कि शादी उसकी कर दी जाती थी, मोदी सरकार की कैबिनेट ने 3 साल इसको एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं, तो इससे क्या लड़कियों की हेल्थ पर भी कोई इशू पड़ेगा? बिल्कुल, सारे डेवलपमेंट्स अच्छे होंगे। उसके बाद में जो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाया करती थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटालिटी भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चों की बहुत बड़े लोगों से शादी होती थी, वो चीज़ मंद हो जाएगी। अच्छा, अच्छा। जब तक बच्चे बड़े होते थे तब तक उसका हस्बैंड ही डेथ हो जाता था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपका नाम क्या है? श्रुति शिवारे। चलिए धन्यवाद श्रुति जी। तो आपका कहना है कि मोदी सरकार की इस प्रशासन ने जो ये रूल्स लागू किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं ना? हाँ, वो अच्छा डिसीजन है और आपका चैनल अच्छा है। तो आप सपोर्ट करती हैं मोदी सरकार के इस प्रस्ताव को? हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी आपका। तो चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं, हमारे साथ एक मैम जुड़ी है। मैम सबसे पहले आपका नाम बताएं। निशा। निशा मैम, तो निशा मैम जैसे कि आप जानती हैं कि बुधवार को मोदी सरकार की कैबिनेट ने लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 18 से 21 साल कर दी है। अब लड़का और लड़की की उम्र दोनों की सेम कर दी गई है, दोनों की उम्र 18 से 21 साल कर दी गई है। जैसा कि अभी तक लड़कों की उम्र 21 साल थी लेकिन अब लड़कियों की उम्र भी 21 साल कर दी गई है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? 21 होने के बाद शादी होना ही ठीक है, वो भी तो ठीक ही किया है। ऐसे लड़की को लिए निर्णय लेने के लिए उसको क्या चाहिए क्या पता सब पता चल जाएगा 21, उसका माइंड भी ठीक हो जाएगा तब तक, मैच्योरिटी भी हो जाता है ना, ऐसे ठीक ही है। तो क्या ये फैसला जो मोदी सरकार ने लिया है, क्या ये महिला सशक्तिकरण के लिए सही है?
हाँ सही है, बिल्कुल सही है, मौली ने ठीक ही लिया है। ऐसे 21 होने के बाद शादी होना ही ठीक है ना, लड़की को भी उसका सब पता चल जाता है, कैसा रहना है, सब लोग कैसे, बाहर कैसे, जॉब मिलने का उसका क्या बोलता है, ऐसे निर्णय लेने के लिए तो ठीक है। तो क्या लड़कियों के लिए सिर्फ यही निर्णय लेना काफ़ी रहेगा या उसके लिए कुछ और भी निर्णय लेने चाहिए देश में, जैसे कि उनकी शिक्षा के लिए, क्योंकि बहुत से पिछड़े गांव की लड़कियां होती हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं, उनका बाल विवाह कर दिया जाता है जैसे 17 से, तो क्या इसके अलावा और भी कोई तरकीब या और भी कोई नियम लाने चाहिए सरकार को लड़कियों के लिए? हाँ, लड़कियों के लिए लेना चाहिए, जॉब के लिए थोड़ा एज बढ़ाना चाहिए सब जगह में, तो एज तो बढ़ा दी है, एज तो शादी में तो बढ़ा दिया है, ऐसे जॉब के लिए तो एज तो थोड़ा बढ़ाना है। तो जॉब के लिए एज क्या, जॉब के लिए तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने बोल के रखा है कि 18 से 21 साल, तो 18 के बाद लड़कियां जॉब कर सकती हैं, तो इसके कुछ और ऐसा जो गवर्नमेंट कर सकती है लड़कियों के लिए? और बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि ऐसे यही तो पढ़ाई करने में थोड़ा ऐसे कॉलर, तो पढ़ाई के लिए क्या करना चाहिए, स्कॉलरशिप बढ़ाना चाहिए, स्कॉलरशिप तो अभी बढ़ाई जा रही है ST SC और OBC की लड़कियों को, तो फ्री ऑफ जनरल को तो नहीं बढ़ा है ना, हमको कहाँ मिल रहा है, बस OBC। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे जनरल को भी OBC मतलब स्कॉलरशिप प्रदान की जाए? ऐसे नहीं है, ये तो बोल रहे जनरल के लिए थोड़ा कम है ना, इसीलिए थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अच्छा, जनरल के लिए कम है स्कॉलरशिप, थोड़ी और बढ़ानी चाहिए है ना। चलिए बहुत, सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सुभाष महावर। तो सर, जैसे कि आप जानते हैं बुधवार को हमारी मोदी कैबिनेट सरकार में ये प्रस्ताव पारित हो चुका है कि लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल कर दिया जाए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुद्दा तो ठीक है, 21 साल की उम्र करी वो भी ठीक है, लेकिन इस विषय में सरकार ने या संसद के बैठे हुए लोगों ने जी, या जो देश की राज्यों की विधानसभाओं ने जी, जी, समाज के लोगों से इस विषय में चर्चा करना आवश्यकता ही नहीं समझी जी, क्योंकि किसी भी पुरुष या महिला की मैच्योरिटी की गणना संसद में बैठ के नहीं जा की जा सकती, उसकी गणना सामाजिक लोगों स्तर से, जो देश के विभिन्न, जो भारत देश की जो भौगोलिक स्थिति है जी, वो हर जगह विभिन्न स्तर में विभिन्नता ली हुई है जी, जिसके कारण ये मैच्योरिटी जो है निर्धारण किया सही है, लेकिन देश की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से वो उचित नहीं समझ में आती। अच्छा, तो इसमें संसद में देश के राजनीतिक लोगों को और बुद्धिजीवी लोगों को फिर भी विचार करने की आवश्यकता है। तो मतलब इसमें समय देना चाहिए लोगों को सोचने समझने, इस विषय में समाज के लोगों से और देश की जो विभिन्न प्रजातियां हैं या विभिन्न क्षेत्र में सामाजिक लोग हैं उनसे जरूर विचार विमर्श करना चाहिए। मेरा कहना यही है जी, कि देश के अंदर जी, तो विभिन्न समाज के लोगों से जी, देश की सरकार को, भारत सरकार को इस विषय पे चर्चा करना आवश्यक होना चाहिए था। प्रस्ताव पारित करना संसद में आसान है, लेकिन समाज में आसान नहीं है, क्योंकि सब विभिन्न लोगों के अपनी अपनी पारिवारिक समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, और हिंदुस्तान के हर 25 किलोमीटर के बाद भाषा, रहन सहन, खान पान सब चीज़ बदल जाता है जी, जी, और देश की विभिन्न स्थितियों में, क्योंकि देश की जो भौगोलिक स्थिति है एक सी कहीं भी नहीं है, जिसके कारण जो है सामाजिक स्तर हर जगह बदल जाता है, और किसी भी मनुष्य की परिपक्वता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे जीव हो चाहे प्राणी हो, कोई भी हो, उनका विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग स्थिति बनती है, जिसके कारण वर्तमान समय में सरकार ने जो निर्णय लिया वो उचित हो सकता है, लेकिन सामाजिक स्तर से वो उचित समझ में नहीं आता है। तो कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है? देखिए, ये कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक स्त्री या पुरुष की जो शारीरिक गणना है वो उम्र के हिसाब से इसका निर्धारण करना आसान नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य में अपने अपने प्राकृतिक गुण होते हैं, जिसके कारण जो है आप किसी भी चीज का निर्धारण संसद में बैठ के या बुद्धिजीवी लोग बैठ के अपना नहीं कर सकते हैं। ये सामाजिक स्तर से हर माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों की गणना करता है कि मुझे कब क्या करना है, क्या नहीं करना है जी। आपने एक निर्धारण कर दिया, एक अलग चीज है, वो मानते हैं सामाजिक स्तर से किसी भी बच्चे बच्चियों को आपको रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसका कारण ये है कि सबसे पहले शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, और जो हमारे देश में जो बुजुर्ग हैं उन पे ध्यान देना आवश्यक है। अच्छा। देश में जो पानी की व्यवस्था की अवस्था है उस पे ध्यान देना जरूरी है जी। जो रोड देश की कन्वेंस की, रोड की, नाली की, पानी बिजली की उपस्थिति करना उसकी जरूरी है जी, बिल्कुल। ना कि इन चीजों की जी। क्योंकि इन चीजों के पीछे सामाजिक स्तर बहुत अपने आप प्राकृतिक रूप से अनडेवलप है जी, जी, जी। जो कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जाते हैं, वो आज भी
14 से 15 साल की उम्र में बच्चे बच्चों की शादी हो जाती है, भलाई वो बाल विवाह में आती हैं, लेकिन परिस्थितियां उनके सामने ऐसी बनती हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति से भी कमजोर होते हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रामपाल रजक है, मैं रिटायर्ड ड्राइवर हूँ WCR का। तो सर जैसा कि आप जानते हैं कि बुधवार को मोदी सरकार ने लड़कियों की उम्र शादी बढ़ाकर 18 से 21 साल कर दी है, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? भाई मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया, लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल की होनी चाहिए, क्योंकि शादी करने के बाद लड़कियों को शारीरिक रूप से बहुत कष्ट झेलना पड़ता है कि लोग मानते हैं नहीं, समय से पहले ही बच्चा पैदा कर देते। बच्चा पैदा करना मतलब महिला की लड़कियों की नई जिंदगी होती है। हमारा ये है कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, ये कम उम्र में शादी करना मतलब लड़की के साथ बहुत ज्यादा जा देती है। तो सर इससे क्या लड़कियों की पढ़ाई में या उनके विकास में कुछ फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा भाई, ज्यादा उम्र 21 साल की उम्र में शादी करे तो पूरी तरह तैयार हो जाएगी, नौकरी करेगी, माँ बाप पे डिपेंड नहीं रहेगी, ये कहने का मतलब। तो इससे महिला के सशक्तिकरण पे क्या फायदा मिलेगा सर? फायदा करें महिला मजबूत होगी काफी। अच्छा, तो इसके अलावा मोदी सरकार को और भी कुछ करना चाहिए या सिर्फ यही रूल्स काफी है, महिला के लिए यही रूल्स काफी है, या इसके अलावा कुछ और भी नियम कानून लाने चाहिए महिलाओं के लिए? कानून तो ये महिला की सुरक्षा के लिए करने चाहिए, क्योंकि महिला की जो जिंदगी है आदमी की नज़र में बहुत कम है जी। जो देश में थे जो घटनाएं हो रही हैं बलात्कार की, अभी जैसे आपने केरला में सुना जी, लड़की ने साफ बोल दिया कि लड़की की सुरक्षा माँ के पेट में है जी, या कब्र में है जी। तो सरकार को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, व्यवस्था जो है बढ़ाना चाहिए, पुलिस बहुत कम है अपने पास, आबादी बहुत ज़्यादा है भाई, जितने नौजवान घूम रहे हैं इनको पुलिस में भर्ती करे, आर्मी में भर्ती करे। भविष्य में कुछ इसका फायदा मिल पाएगा महिला? फायदा मिलेगा महिला को, जैसे कि भाई लाइफ उसकी मजबूत हो जाएगी ना काफी जी। और क्या करना चाहिए सरकार को महिलाओं के लिए? भाई अब आगे मोदी सरकार सोचे, हमारे हिसाब से महिला की सुरक्षा की पहले दृष्टि से सुरक्षा रखना चाहिए। तो आपके हिसाब से बिल्कुल सही किया? बहुत सही किया मोदी सरकार, जब से मोदी आई सरकार बीजेपी में, मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला है आज तक हमारे 71 साल की उम्र में हमने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। आबादी देश की बहुत है पर सबको नौकरी नहीं मिल सकती, पर छोटी छोटी नौकरी सबको मिल रही। तो कुछ लोगों का कहना है सर कि गरीबों के लिए ये कष्टदायक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके? भाई गरीबों को टेंशन लेने नहीं चाहिए, लड़की जब तैयार हो जाएगी 21 साल तक तो अपनी व्यवस्था खुद कर लेगी ना, जॉब करेगी, पैसा इकट्ठा करेगी अपनी शादी के लिए, तो माँ बाप को टेंशन नहीं लेना चाहिए। माँ बाप लड़की को बोझ समझते हैं अपना, इसलिए जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते। तो आपको आपका कहना है कि ये जल्दी से जल्दी कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए? जानू बहुत जरूरी बात है, पूरे देश में कानून लागू, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि कम उम्र में लड़की की शादी नहीं करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं अंकल के बातों से सहमत हूँ, जैसा कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि उन्होंने 21 साल जो किया है वो बहुत ही अच्छा है, वो क्योंकि लड़की अपने पढ़ाई में ध्यान देगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी, फिर जॉब करेगी, जॉब करने के बाद अपने अपने खुद सेल्फ डिपेंडेंट रहेगी, तो उससे उसको आगे वो अपना खुद सेल्फ डिपेंड हो जाएगी, तो वो खुद अपना वर अपना सब कुछ वो खुद चुन सकती है और अपनी जिंदगी अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकती है, खुद अपनी जिंदगी का फैसला ले सकती है और उसको जो अच्छा लगेगा वो निर्णय खुद ले सकती है। और ये बहुत अच्छा किया मोदी सरकार ने जो 21 साल कर दिया, मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आने वाले टाइम में आप मोदी जी को PM चुनना चाहेंगे? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, हम तो बोले जब तक मोदी जी रहे PM ही बने रहे तो ही देश को उद्धार हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या आपका? सुरेश रजक। आपका नाम बताएं भैया? मनीष उपाध्याय। नाम मनीष उपाध्याय, यस। तो मनीष भैया आप बताएं कि सरकार ने जो बिल पारित करवाया है लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल कर दी है, उस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरा यही कहना है कि सही किया, बट लड़कियों के शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा ध्यान रखें, जैसे कि उनके शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों से जो लड़कियाँ आती हैं उनके बारे में शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा जागरूकता, ज़्यादा उनको पढ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा आगे किया जाए, तो ताकि मतलब वो एक अच्छे पोजिशन में पहुँच सके और मतलब जागरूक बन सके लड़कियाँ। तो आप मानते हैं कि ये जो प्रस्ताव रखा गया वो सही है? हाँ हाँ ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, कुछ लोगों का कहना है कि इससे लड़कियों की शिक्षा में फायदा मिलेगा और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि इससे गरीब जनता को परेशानी आएगी। हालांकि कुल मिलाकर जरूरत सोच में परिवर्तन की है, और जब समाज की सोच में परिवर्तन आएगा तभी लड़कियाँ आगे उन्नति कर पाएंगी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़, तब तक के लिए धन्यवाद।